वालेकुम, कैसे व्यूअर्स? ठीक ठाक है। आफ्टर अ मंथ आई थिंक या टू मंथ्स दोबारा एक प्लान जो है वो ट्रिप जो है प्लान हुआ है बेसिकली। और इस वक्त हम मौजूद हैं होटल पे सुबह के नाश्ते के लिए। ये पूरी टीम मौजूद है, ठीक है, और सभी जो है पुरजोश है। ये सारा प्लान इस बंदे की वजह से प्लान हुआ है बिकॉज ही जस्ट केम फ्रॉम द विलेज टू फिशिंग एट अब्दुलरहमान बोट। तो नाश्ता करके इंशाल्लाह यहाँ से फिर निकलने ही करते हैं। अच्छा, इनको तो आप जानते ही हैं, ठीक है, द ग्रेट एजाज, ठीक है, माने उस्ताद, इनके जोड़ीदार, ठीक है, ये मेहरबान हैं और ये हमारे सैफ अली उस्ताद हैं। बाकी ये इंट्रो खुद कराएंगे, फर्स्ट टाइम मेरी मीटिंग है इनसे। सुहेल भाई ये तो आप जानते होंगे ना, नजर कमरे कैमरे में नज़र नहीं आ रहे लेकिन कोशिश करें थोड़ा फोकस करने की, ठीक है। और ये अब्दुल्ला भाई का भाई रहीम भाई, और ये हमारे ब्लॉगर। तो नाश्ता इनका रेडी है, हमारा बस आने वाला है और इंशाल्लाह इसके बाद फिर हम निकलने की करते हैं यहाँ से। सी यू जी जनाब। जी जनाब, नाश्ता आ गया है, ठीक है, चने के साथ। अच्छा, नए एंग्लर्स के लिए ये मेरी तरफ से सजेशन है, रिकमेंडेशन है, स्ट्रिक्ट इन अपना रिकमेंडेशन है कि वो नाश्ता करके ना जाएं, बिल्कुल हल्का सा नाश्ता करें बिस्किट के साथ, ठीक है। चाय पराठे मंडने की ज़रूरत नहीं है, जब आपका लेवल अप हो जाएगा, यानी जब प्रो लेवल पर आ जाओगे, ख्वारों वाले लेवल पर आ जाओगे, तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पानी के स्वेल को देख के और स्पेशली हवा को देख के आपने जो है ना वो ये डिसाइड करना है कि आपने इस तरह के हैवी नाश्ता करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो नाश्ता अगर हल्का रखेंगे तो आपको शिकार पे कम तंगी होगी, किश्ती में बहुत कम तंग होगे। तो बेस्ट ऑफ लक जी। पार्किंग एरिया। अच्छा जी, आज की जो प्रोडक्शन है वो कुछ इस तरीके से है कि तकरीबन 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, विंड की अराउंड 421 तक का प्रोडक्शन है, या आप कह सकते हैं कि 15 तक का, लेकिन होपफुली मामलात बेहतर होंगे। स्वेल काफ़ी नज़र आ रहा है पानी में, पर लेट्स सी आगे क्या मामलात बनते हैं इसके। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मामलात बेहतर होंगे। पानी काफ़ी तेज़ लग रहा है पर अंदर जाके पता चलेगा, तो देखते हैं कि क्या बनता है। मेहरबान आपका आज हमारे साथ कराची में, ये पहला टूर है आफ्टर नेट फिशिंग इन केपी के। चलो चलते रहिए सर, रुकने का टाइम नहीं है। क्या कहते हैं आप? बस देखते हैं कि आप शिकार लग जाता है कि नहीं लग जाता है। अच्छा, तो उस टाइम है और तकरीबन 17 साल के बाद समंदर में। 17 साल के बाद नसीब में क्या लिखा है। अच्छा जी, ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, उड़ाने में टाइम है अभी, तब तक हम बाकी भी व्लॉगिंग करते हैं। गंगाराम की लोकेशन पे हम आ चुके हैं, सुबह सर्दी काफ़ी थी, अब जो है वो ऊपर की सब चीज़ें रिमूव हो चुकी हैं, जैकेट शैकेट ये वो। मौसम काफ़ी बेहतर है और पानी का स्वेल भी आप देख रहे हैं और लहरें शहर भी देख रहे हैं आप, सब कुछ फ़िलहाल तो नॉर्मल है। शाम तकरीबन 4 से 5 बजे करीब इन्होंने प्रेडिक्शन की है सॉफ्टवेयर पर कि जो हवा होगी तकरीबन 14 तक जाएगी, कि क्या सूरत हाल रहती है। पानी बहुत नॉर्मल है इस वक्त और बड़ा स्मूथ चल रहा है,
सुगम गंगाराम की पोजीशन पर मौजूद हैं और अभी स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह, जो फर्स्ट स्ट्राइक है वो अभी करेंगे हमारे उस्ताद एजाज भाई। अल्हम्दुलिल्लाह पहली स्ट्राइक ये सब उस्ताद को आती जो है ना वो हिट हुई है और अभी हमें खड़े हुए यहाँ 5 मिनट पीने हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत अच्छी है। ये चीज़ मेरे अजीज़ दिखाई गई सब भाई, क्या बात है माशाल्लाह। बस ऐसे ही कोई हुए ना पर बंदा 20 दाने लग जाए। ये देखें कनर्चा निकाला है, बेसिकली हीरा बोलते हैं उसको हम लोग यहाँ पर। और ये चीज़ मेरे अजीज़ उस्ताद काले मुश्के के साथ और इधर आजम उस्ताद टैक्सी के साथ, काला मुश्का मुनासिब साइज़ का है। ये देखें जनाब जब लगती है ना तो ऐसे भी लगती है, हम भागती हुई मच्छी को ही पकड़ लेते हैं फिर, समझ में आई ना। हाँ फुल ख़तरनाक है हम जनाब। अनदर गुड हिट बाय मी। और इस तरह मेहरबान ने जो है वो 12 बजे जो है वो सुबह से पहली मच्छी पकड़ी और कराची की बल्कि इसकी समंदर की पहली मच्छी है अब्दुलरहमान गोट पे। अंडा टूट गया, इधर नहीं यार। माशाल्लाह ये चीज़ मेरे अजीज कोई मसला नहीं। अला टी टी क्लास का गिस्सर। अबे चल बिरयानी, ये मेरे घर जाएगा घर इंशाल्लाह। क्लास का गिस्सर बेहतरीन फुल साइज ड्रामा, दूर से ऐसे लग रहे थे गिस्सर पकड़ा भाई ने। ये देखिए भाई माने उस्ताद जी। लंच ब्रेक हुआ चाहता है, लंच से पहले तो बहुत बुरे हालात थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो तकरीबन लाड़े से बाहर आ चुके हैं। एक बेहतरीन किस्म का गिस्सर जो है वो लग चुका है, आप देख चुके होंगे। और अब बैठी हुई टीम पूरी लंच के लिए, तो होपफुली लंच के बाद जो है इंशाल्लाह बाकी ये कंटिन्यू करते हैं। लंच इस बार जो है वो भाई साहब ने टोपी कराई एंड टाइम में, बिल्कुल पीक पर जाके बताया उन्होंने कि भैया ना आपने बनाना है, तो बस उसके बाद हम कुछ यही बना पाए। ठीक है चिकन कढ़ाई दही के साथ और बाकी इंशाल्लाह टेस्ट का ये लोग बताएंगे भाई कि टेस्ट कैसा है। अभी टेस्ट कैसा है बेहतरीन, आपसे कोई नहीं पूछ रहा। और मेहरबान टेस्ट कैसा है? चलो बेहतरीन है ना जी। चलो जी बिस्मिल्लाह करते हैं। मेहनत करनी पड़ रही है इस वाले पर। माशाल्लाह माशाल्लाह साइज है भाई, साइज बोलता है। न्यू देखें आप बेहतरीन सांप है बाबा। ये चीज मेरे अजीज देख इधर, ये तेरी खैर डामा निकालते हुए जी। लूअर हमने यूज़ किया है आज के चारे के लिए, ठीक है जी। और आज तकरीबन इसके प्राइस 100 रुपीज़ पर केजी थे फिशरी में। अच्छा इसका तरीका ये कि इसके ऊपर की स्किन उतार के आप इस तरीके से इसको पीसेस में कर सकते हैं। पिछली वीडियोस में भी मैंने एक्सप्लेन किया कि इस पीस इसको साफ़ कैसे करते हैं और इस पीसेस तक इसको हम जो है वो लाते कैसे हैं। अच्छा जी कुंडे हमारे पास जो हमने यूज़ किए हैं इसमें वो 10 नंबर और 11 नंबर का कुंडा हमने यूज़ किया है। ये वेट आप देख सकते हैं इसमें, फ्री वेट पर हमने इसको जो है वो बांधा हुआ है, ठीक है। और फ्री वेट पे हमने बांधा हुआ इसको और नॉर्मल जो है हमारे पास जो यूनी नोट का तरीका होता है उस तरीके से इसको हमने बांधा हुआ। किस तरीके से बांध सकते हैं ये भी आपकी डेमोंस्ट्रेशन इसकी मौजूद है चैनल पे, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है जी। कुंडे हमने यूज़ किए हैं ये 10 नंबर, ये 11 नंबर के कुंडे हमारे पास, ठीक है।
और ये हमारे पास 10 नंबर के कुंडे। ठीक है, बॉटम के लिए हमने 10 नंबर यूज़ किया था कुंडा। ठीक है, और गिसर और बड़ी मच्छी के हुक करने के हवाले से, और गिसर के लिए आपको चाहिए होता है जिंदा का परतान या फिर जिंदा फुकिया के लिए आप उसको, जिसको हम दंदिया कहते हैं, उस साइज़ की मच्छी आप उसको बैक साइड पे इस पॉइंट पे हुक करके, यानी इस हिस्से में हुक करके आप उसको हैवी वेट के साथ बॉटम में डाल देते हैं। तो ये था आज कुंडों के हवाले से ओवरव्यू। हमने जो डोरे यूज़ किए हैं आज 15 पाउंड की यूज़ की है, 30 पाउंड की यूज़ की है, इसके अलावा जो है वो 20 पाउंड की भी हम यूज़ कर रहे हैं इस वक्त। तो होप ये जो इन्फो है ये आपके काम आएगी। अगर आप यहाँ का प्लान कर रहे हैं तो आप अपने कुंडों को इस तरह प्लान करें, और अगर आप फिक्स कुंडों पे खेलने के आदी हैं तो आप इसको फिक्स भी कर सकते हैं। सिंपली इस वेट को जितना आपने लूज़ करना है उसके बाद यहाँ पर एक पट्टी वेट आप बांध देंगे तो आपका ये फिक्स हो जाएगा। थैंक यू। Thank you.